पाँच किलो अनाज से पेट भरेगा गरीब गुरबा का, पेट भरेगा पाँच किलो अनाज से। हाँ। और गैस का कीमत, गैस का कीमत आगे बढ़ गया, महंगाई वो तो महंगाई जानते सुनिए, सुनिए महंगाई के बाद पहले एक एक चीज बात पहुँच लीजिए, गैस बाहर से आता है तो वहाँ पहले बाहर से नहीं आता था, पहले बिहार में बनता था सरवादा में, जैसे जैसे दाम बढ़ता है वैसे भाव बढ़ता जाएगा बोर्ड से। हाँ लाए हम उनको लाएंगे, राम को लाए हम उनको लाए, राम को लाने वाले मोदी कौन होते हैं? मोदी जी थोड़ी लाए, हम लोग जैसे सनातन लाए। चंद्रवंशी जी से खुश है कि नाराज है सीधा? चंद्रवंशी जी कोई प्रत्याशी मानिए नहीं रहे हैं, हम मोदी जी को प्रत्याशी मान रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को होना चाहिए। मोच पर ताव खाली देते हैं। तो इस बार क्या माहौल है भैया, बड़ा बोल रहे हैं, क्या माहौल है इस बार? तो बहुत बढ़िया माहौल। चंद्रवंशी जी से एक भूमिहार समाज खपा है, पूरा खपा, पूरा सरवादा बाजार में तो भूमिहार समाज का एक भी व्यक्ति नहीं, और यह तक नहीं पूरे बिहार में इनकी स्थिति खराब है, इनका जनाधार भी खसक चुका है। अच्छा प्रशांत खसकने का क्या कारण है ये भी पूछिए आप? बिल्कुल, खसकने के तीन कारण है। तीन कारण बताइए। बताइए सुशासन की सरकार है बिहार में, क्या बात कर रहे हैं? सुशासन की सरकार में दारुए बिकवे करता है। क्रिएटिंग जनरेशन ऑफ थिंकर्स एंड इनोवेटर्स, सेम्पोर्ट फ्यूचरिस्टिक स्कूल, फ्यूचर ऑफ इस्लामपुर, क्लास NC2 10+2, एफिलेटेड बाई CBSE न्यू दिल्ली। आवर फैसिलिटीज, गुणवत्तापूर्ण और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था, सुरक्षित भवन और हॉस्टल की व्यवस्था, बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की उत्तम व्यवस्था, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, CCTV कैमरे से कैंपस और क्लास की निगरानी। सबसे खास बात, पूरे देश में सेम्फोर्ड स्कूल की लगभग 600 से अधिक कैंपस है जिसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थापित है। तुरंत नामांकन पर 50% तक का छूट पाए, नियम व शर्तें लागू। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के सरवादा बाजार में, और ये जहानाबाद और नालंदा का बॉर्डर का बाजार है, और इस बाजार के लोगों से हम जानेंगे कि आखिरकार उनका सांसद कैसा हो। लोकसभा का जो चुनाव है पूरे देश में एकदम जोरों पर है, और पहला चरण का जो मतदान है वो बहुत करीब है, हालांकि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में आखिरी चरण में मतदान है, और यह सरवादा मुख्य बाजार है और पीछे बहुत सारे लोग हैं। हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इनका सांसद कैसा होना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग हैं, व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, और एक दो राजनेता भी हैं जो कि क्षेत्रीय राजनीति करते हैं। हम सभी से वार्तालाप करेंगे कि चंदेश्वर चंद्रवंशी जी पिछले 5 वर्षों में जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में क्या किए हैं, और अभी हम सरवादा में हैं तो विशेष वार्तालाप होगी कि सरवादा के लिए क्या किए हैं, और आने वाले चुनाव में क्या फिर वो बाजी मारेंगे, या फिर जो नीतीश कुमार निर्णय लिए हैं उनका वो उन पे वो खरा नहीं उतरेंगे कि उतरेंगे, यहाँ का जनता से जानेंगे, विशेष वार्तालाप करेंगे। इधर आइएगा दादा, का नाम हुआ? मेरा नाम नरेश यादव हुआ। नरेश यादव, हाँ जी। तो यादव जी, क्या माहौल है लोकसभा क्षेत्र के चुनाव का? लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जदयू का यहाँ खराब है। खराब है? हाँ। काहे? इन्होंने जनता के बीच एक दिन भी भेंट नहीं किए हैं। कहाँ थे 5 साल? पूछे ना, आए थे ना चुनाव वोट मांगने? अभी तक तो हमारे के दरवाजा पर कहीं नहीं आए हैं पिछले 5 साल में, कहीं हो ना? कहीं रोए नहीं। और एक बात बताना चाहते हैं, हाँ। नीतीश जी जो कहते हैं अति पिछड़ा का वोट बात करते हैं, हाँ। अति पिछड़ा में कर्पूरी जी थे हाँ। उनको भारत रत्न देकर मोदी जी अति पिछड़ा का वोट बिहार में अपने ओर ले लिए। तो इससे फायदा होगा? इससे फायदा नीतीश जी के कुछ होने वाला नहीं है, और यह तक नहीं पूरे बिहार में इनकी स्थिति खराब है। पूरे बिहार में? हाँ, मैं वादा के साथ करता हूँ, 2021 का चुनाव देखिए विधानसभा का। हाँ, देखिए, देख लिए। 50% सीट पर चुनाव पर लड़े थे, 43 सीट बिहार में जीते। अगर गठबंधन के साथ अभी नहीं होते तो लोकसभा का एकाध सीट भी बिहार में जीत जाते तो बहुत मुश्किल से। अच्छा, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में एकदम माहौल बनाने के लिए बीजेपी के साथ गए हैं? हाँ। फिर गठबंधन टूटेगा? हाँ। फिर RJD के साथ आएंगे? हाँ, इनका कोई बात नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। मतलब कि इनसे एकदम रग-रग वाकिफ हो गए आप? हाँ, पूरी वाकिफ है, इनका जनाधार भी खसक चुका है। अच्छा प्रशांत, खसकने का क्या कारण है ये भी पूछिए आप? हाँ, बिल्कुल। खसकने के तीन कारण है। तीन कारण बताइए। बताइए, पहला तो है भ्रष्टाचार, नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार और अफसरशाही, दारू। सुशासन की सरकार है बिहार में, क्या बात कर रहे हैं? सुशासन की सरकार में दारू बिकवे करता है, दारू खाली कागज पे बंधा पे बोल रहा है। असंप्रदायिकता भी इनके राज में पूरी फैल रहा है।
सांप्रदायिकता फैल रहा है बिहार में। हाँ, फैल रहा है। अच्छा, यादव जी जयगुनी ऐसे नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं भाई, यादव जी क्या है, यादव जी बीजेपी में नहीं है, ये है तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव। भाई सुनिए, भूपेंद्र यादव कौन जात है पहले बताइए, मोहनदास कौन जात है, मोहन यादव? हाँ भाई, हाँ भाई यादव जी है। तो फिर नित्यानंद कौन जात है? सब यादव जी हैं। फिर आप जात के बात क्या करते हैं? अरे पूरा बिहार जात का बात कर रहे हैं हम, थोड़ी कर बिहार की बात कीजिए। पूरे बिहार अभी जो वोट मिलेगा मोदी जी के नाम पर मिल रहा है, मोदी जी की उपलब्धि है। 10 वर्षों में उन्होंने कार्य किए हैं, वो पूछिए उसका जवाब मैंने दूंगा। क्या किया मोदी जी 10 वर्षों में? मोदी जी ने पहला काम किए 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज। क्या होगा 5 किलो अनाज से? 5 किलो अनाज से पेट भरेगा गरीब गुरबा का, पेट भरेगा 5 किलो अनाज से। हाँ। और गैस का कीमत? गैस का कीमत आगे बढ़ गया है, महंगाई और महंगाई जानते हैं। सुनिए सुनिए, महंगाई के बाद पहले एक एक चीज बात पॉइंट लीजिए। गैस बाहर से आता है, वहाँ पहले बाहर से नहीं आता था, पहले बिहार में बनता था सर्वाधा में। जैसे जैसे दाम बढ़ता है वैसे भाव बढ़ता है। अच्छा, वो तो अंतर्राष्ट्रीय चीज है गैस और तेल, वो तो बाहर से आएगा, तो हम ज्यादा देगा तो यहाँ भी ज्यादा लेगा। तेल मतलब कि भारत दूसरे कंट्री को बेचे तो वहाँ पे सस्ता और भारत में महंगा, ये कहाँ करने के बाद तेल नहीं है? अगर आता तो इराक ईरान कहीं से मंगाता? तो वही ना बोल रहे, भारत खरीदती है तेल और दूसरे कंट्री को बेचते है, वहाँ पे सस्ता है और यहाँ पे महंगा। सुनिए बताते हैं, पहला उपलब्धि तो ही बताए, क्या बताया मैंने आपका? आपने बताया कि 5 किलो अनाज सबके मिल रहा फ्री में। हाँ, फ्री में। किसान सम्मान निधि के अंदर जो कांग्रेस ने नहीं दिया था। मणिपुर के बारे में क्या कहिएगा, बीजेपी का सरकार वहाँ पे? हाँ सुनिए ना, हम मणिपुर नहीं बोल रहे हैं, मणिपुर के बात मैं नहीं करेगा। अच्छा, आप सर्वाधा की बात कीजिए, सर्वाधा में सांसद महोदय क्या किए? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इस बार क्या माहौल है? इसमें इस बार माहौल है खराब। तो किसको जिताइएगा? आरजेडी से आ रहे हैं, जदयू से आ रहे हैं और बहुत सारी पार्टियां आ रही हैं। सुनिए, हम बीजेपी का सदस्य है, हम एक वोट के मालिक है, बाकी वोट कहाँ जाएगा नीतीश कुमार समझेंगे, हम नहीं समझेंगे। अच्छा, तो नीतीश कुमार जदयू अथी बीजेपी जहानाबाद में साथ चुनाव लड़ रही है, तो किनको दीजिएगा? हम तो बीजेपी के नाम पर एक वोट देंगे मोदी जी का। चंद्रवंशी जी को नहीं, मोदी जी के नाम पर वोट? मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। अरे ठीक है, अगर कैंडिडेट, हमको 2-3 गांव में गए थे जहानाबाद क्षेत्र के, तो वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि कैंडिडेट चेंज कीजिए। हाँ, कैंडिडेट चेंज करेंगे ना चेंज, उसका मालिक हम नहीं है, नहीं है। मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा, एक वोट, आप वोट मांग दूंगा, बाकी क्या जनता करेगा उसका मालिक हम नहीं है। सब देख के वोट देता। हाँ, और इन्होंने इनका वोट कहीं ना मिलने जा रहा है, और यहाँ आरजेडी बहुत भारी वोट से जीतेगा। अरे दोनों बात आप ही बोल रहे हैं, बोल रहे हैं गलत, बोल रहे हैं। नीतीश जी का मोदी जी का कर्माता है ये, नीतीश जी का मोदी जी का है। क्या मोदी जी के जो कैंडिडेट को नहीं बदले हैं, इसलिए आरजेडी सुरेंद्र यादव 1 लाख प्लस से जीतेगा, 1 लाख वोट से प्लस से, कोई उसको हराने नहीं जा रहा। जहानाबाद में बोल भैया नहीं, उसका चंद्रवंशी के साथ है जहानाबाद। हम तो जाते हैं क्षेत्र में तो गाली उली भी मिलता है, जो भी हो वोट किसी को कोई दीजिए, लेकिन सर्वाधा बाजार में तालाब पर अभी तक फिर लाइट नहीं दिए गया है। MP फंड से इनको देना चाहिए था लाइट। अच्छा, एक बात बताइएगा, जीतेंगे वो हम लोग को चाहिए यहाँ पे लाइट, और एक मंदिर का निर्माण होना है सूर्य मंदिर का, उसमें योगदान चाहिए सरकार, मतलब हमारे MP साहब के साथ सांसद महोदय। अच्छा अच्छा, एक बात, सांसद महोदय हमारे सर्वाधा बाजार में एक दिन भी नहीं आया है, और ना आम पब्लिक का सुरक्षा के और अच्छा के लिए कभी, जबकि बॉर्डर का इलाका है जहानाबाद और नालंदा, नालंदा का बॉर्डर है, फिर भी वो एक दिन नजर नहीं आया। जदयू के सांसद है, बहुत गर्व से उनको चुना गया था। हाँ, आप लोग मन से वोट दिए। हाँ, और फिर भी नहीं एक दिन दर्शन दिया है। तो इस बार को सर्वाधा का विकास चाहिए, विकास चाहिए, कोई भी सांसद हो और विकास चाहिए, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ विकास पे अपनी वोट पड़ेगा। हाँ, विकास पर वोट। कौन विकास करेगा अंकल? विकास तो करेगा मोदी जी के सरकार में विकास। मोदी जी के सरकार में क्या बोल रहे हैं कि चंद्रवंशी जी कोई काम ही नहीं किए? तो चंद्रवंशी कैंडिडेट खराब है, कैंडिडेट चेंज करें अभी भी, मतलब कि आप लोग को वही मांगे कैंडिडेट चेंज करे। अच्छा, चाचा जी बोल रहे थे कि 5 किलो अनाज वगैरह फ्री मोदी जी रहे, सब कैसा लगता है आपको? वो तो अच्छा है गरीब गुरबा के लिए, ठीक है, 5 किलो अनाज से कुछ तो राहत मिलता है गरीब गुरबा के। अच्छा, कुछ राहत को पैसा मिलता है 6,000, उससे खाद खल्ली का व्यवस्था हो जाता। अच्छा, इस बार पूरे अगर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो चंद्रवंशी जी से आप लोग नाराज हैं? अच्छा, बहुत बहुत नाराज। 5 साल में हम लोग को देखे तक नहीं कि कैसा है, कैसा आपका चेहरा है, कैसा आपका चेहरा है बाबू। अरे तो वोट मांगे फिर आई थू ना, 5 साल हो गए, वोट मांगा तो घूरेगा, वोट मांगा तो घूरेंगे, आपका करेंगे।
अच्छा इधर आइए नेताजी, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। नेताजी तो नहीं, मैं एक सदस्य हूँ। हाँ ठीक है, आप सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स से तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये मैं सर्वहदा के लिए दुर्भाग्य बोलते हैं कि हमारे चंद्रवंशी जी 5 वर्ष सांसद रहे हैं, 2 महीना वो बोल रहे हैं ना कि 2 महीना अभी समय बचा हुआ है, लेकिन 1800 दिन में एक दिन भी अगर सर्वहदा क्षेत्र में आ जाते तो बहुत उनका पुण्य का माने भागी बन जाता जनता, पुण्य का भागी बनता। क्योंकि जिस तरह से इनको सर्वहदा क्षेत्र में वोट मिला था, जो जिस तरह का यहाँ का स्थिति था जहानाबाद में, सुरेंद्र यादव जी से इनको जो प्रतिद्वंदता में ये चुनाव लड़े, 1700-1800 वोट से माने 1700 वोट से जीते, समझिए कि सर्वहदा में जो रिकॉर्ड वोट जो आज तक किसी सांसद को नहीं पड़ा था, माननीय राम आश्रय बाबू भी रहे, जगदीश शर्मा भी रहे हैं, अरुण कुमार भी रहे हैं सांसद, जितना वोट सर्वहदा बाजार में नहीं मिला 2019 में पड़ा था, उतना पहले कभी नहीं पड़ा था, कभी नहीं पड़ा था। और उसके बाद भी आज तक एक बार भी वो उन्होंने कभी सर्वहदा क्षेत्र को नहीं देखा। आप लोग क्या चाहते थे सांसद महोदय से? तो सांसद महोदय से विकास संपर्क नहीं, मेरा कहना है कि राजनीतिक में तो विधायक सांसद रहते हैं, किस लिए क्षेत्र में भ्रमण करना, सुख दुख में साथ होना। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि केवल विकास ही योजना होता है, सुख दुख में भी अगर साथ होते हैं, किसी के व्यक्ति के पास अगर किसी के दुर्भाग्य से कोई घटना घट जाता है तो मिलने ऐसा है, सुख दुख में जो साथी होता है वही असली नेता होता है। हम भी प्रतिनिधि हैं तो सुख दुख में साथी में जाते हैं। एक पंचायत समिति छोटा सा मन है, लेकिन हम क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, प्रखंड स्तर पर हम जाते रहते हैं, तो यही है जनता। अच्छा एक बात बताइए कि आप तो चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को सिंबल भी दे चुकी है, तो क्या है इस बार माहौल? नहीं, अभी तो हमको लग रहा है कि अगर माननीय नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगर फीडबैक अगर देखें किस स्तर से यहाँ उनको दिया गया है सिंबल, हमको तो लगता है इसमें बहुत बड़ा खेल खेला गया है। और जिस तरह का लग रहा है कि रुपया पर चाहे मिले सिंबल, क्षेत्रीय नेता को इस तरह का जहानाबाद में हमको तो पसंद नहीं करते हैं। चंद्रवंशी जी को आप लोग पसंद नहीं करते? नहीं करते हैं। क्योंकि पिछले बार कहाँ चुने थे? तब पिछले बार अगले बार वो जब आ गए कोई फीडबैक नजर नहीं आ रहा था नजर। अच्छा पहली बार थे? पहली बार थे, समझ में नहीं। तो आदमी को करना ही पड़ता है, ऐसा तो बात नहीं है। नारियल लाए हैं, अंदर पानी है कि क्या हो तो भगवान जाने। हम लोग कोई जाति भावना से नहीं कह रहे हैं, जात हम लोग सुनिए नहीं, हम लोग तो नहीं नहीं सर्वहदा में कोई जाति का जो बोलते हैं कि किसी जाति का यहाँ कोई है जो उम्मीदवार मने है, कोई एक पक्षीय तो जाति नहीं है। सर्व बाजार क्या है? सभी समूहों को रहता है, सर्वहदा बाजार में सभी जाति सभी जगह से लोग हाँ जो आते हैं, और वो मने और जो एक वर्ग का नहीं बता रहे हैं कि चंद्रवंशी जी से एक भूमिहार समाज खपा है, पूरा खपा है। पूरा सर्वहदा बाजार में तो भूमिहार समाज का एक भी व्यक्ति नहीं है। अब माना जाए यहाँ अगर इनका फीडबैक हम तो बाजार में आप घूम लीजिए देख लीजिए, आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो सांसद महोदय का चेहरा देखा हो, कोई नहीं नहीं खाली देते हैं। तो इस बार क्या माहौल है भैया, बड़ा बोल रहे हैं, क्या माहौल है इस बार? इस बार तो बहुत बढ़िया माहौल है, मतलब कि किनके पाले में? आरजेडी के पाल बाती माहौल बढ़िया है, जदयू का बढ़िया है, तो समय बताता है ना, समय बताता है किसके पक्ष में है। लेकिन जो चंद्रवंशी जी है उनके पक्ष में हवा नहीं है। काहे नहीं है? काहे उनका चेहरा मोच वाला में लोग खाली देखते हैं कि मोच ताव देते रहते हैं, हाथ उनका देखेगा ना तो मोचे पर रखते हैं। अब विकास नहीं हुआ, क्या चाहते थे? चाहते थे कि विकास हो, जनता खुश हो, जनता का कार्य हो, जनता अच्छा हो, उनको देखना दायित्व था। अच्छा मतलब इसके पहले रामाश्रय प्रसाद यादव जो एमपी थे वो हर समय आते थे विकास करें या ना करें, लेकिन जनता के आबरू रहते थे, जनता से रूबरू होते थे। माननीय अरुण कुमार जी सांसद बने वो भी आबरू हुए थे, माननीय जगदीश शर्मा सांसद बने वो भी आए गए बाजार को देखते रहे, उसके बाद गणेश यादव बने वो भी इन्हीं के तरह उड़ला पाता थे। पूरा राजनीति पता है, तो इस बार कहा होगा जे बताइए? इस बार होगा आरजेडी यहां से चुनाव जीतेगा, आरजेडी जहानाबाद 30,000-40,000 वोटों से जीतेगा। सही बोल रहा है, लाखों से नीतीश जी का पता चल जाएगा जहानाबाद क्षेत्र में।
जहानाबाद में अभी एकदम किला कबाड़ी सफाई है। तावर भी कबरा हुआ था उसको हरा देवल गया जानबूझ के। जब मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं बने थे तो सर्वहादा में आए थे, आए थे सर्वहादा में आए थे, उन्होंने बोले थे कि सर्वहादा के आशीर्वाद से हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो पहला सर्वहादा में ब्लॉक बनाएंगे। आज तक ब्लॉक बनाने के लिए नहीं हमारा दर्शन नहीं, दर्शन नहीं। तब जब उनका नेता राज का नेता जो बिहार का मुख्यमंत्री रहे है पूरा माल के पूरे बिहार का, जब नहीं सर्वहादा देखने के लिए तैयार है तो एमपी क्यों देखने के लिए तैयार होगा? एमपी क्षेत्रीय क्षेत्र का तो क्षेत्र का है, इसीलिए तो जब हमारा मुख्य नेता ही न देखेगा तो हम क्यों देखेंगे? आप लोग भी नहीं देखेगा नहीं, हम लोग तो देखने के लिए तैयार है। अरे हम ही देखेगा ना, हम लोग आप लोग हम लोग नहीं देखे। लोकसभा का जब चुनाव था वो घर तक नहीं आए थे, यहाँ के क्षेत्र कैसा मेरा, मतलब कि आप लोग नीतीश कुमार के नाम पर पिछले बार वोट दे दिए? नहीं, मोदी जी के नाम पर, मोदी के नाम। अरे भाई मोदी जी का फीडबैक ले, मोदी जी हाँ बहुत बात बता दिया। अरे मोदी जी सुनिए, जब उस समय स्थिति ऐसा बन गया था, उस समय स्थिति ऐसा बन गया था कि चंद्रवंशी जी के साथ घूमने वाले नहीं थे कोई, जेल से चिट्ठी लिखना पड़ा था, माननीय जगदीश शर्मा के द्वारा जेल से चिट्ठी लिखा गया था और राहुल शर्मा उनके साथ घोसी क्षेत्र में बाबू ललन सिंह के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। मतलब कि उनके साथ लोग नहीं था घूमने? नहीं, वो फीडबैक उस समय भी मैंने खराब था, लेकिन उनको पिछले बार तो जीत गए। हाँ लेकिन जीत गए और अब फिर वही नहीं ना। माननीय नीतीश जी क्या सोचते हैं? माननीय नीतीश जी को यही ना भ्रमित है, ये कहते हैं कि ये है क्या अति पिछड़ा सीट है, तो जहानाबाद का रिजर्वेशन में अति पिछड़ा सीट है नहीं जो बोलते हैं, तो अगर रिजर्वेशन करा दे, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का ये इच्छा है कि जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में है ना, तो उस तरह से लोकसभा में भी ईबीसी माने जो भी मतलब कि कास्ट सिस्टम होता है उसको उतार दे, क्या गलत बात बोलते हैं? नहीं तो हम यही कहते हैं कि उनके दिग में भ्रमित है कि ये कोई जात पात की राजनीति नहीं होती है, विकास की राजनीति। पहले वाला जमाना ना है, अब सब नहीं है, जात पात पे नाम पर वोट थोड़ी पड़ता है, जात पात पर के नाम पर अब वोट का खत्म हो गया, समाप्त। अब बस केवल है आप संपर्क में रहें, व्यवहार में रहें, विकास के साथ रहें, सुख दुख में रहें, वही सांसद कोई चाहता है। वही सांसद को कहा दादा कहा नाम हो लो बोलबाहू कुछ हम हमरा नाम कहाँ मकान हो लो घरवा कहाँ हो लो मननपुर मननपुर लालू यादव के चिन्ह वो लालू यादव के चिन्ह वो नीतीश कुमार जी के अबरी चुनाव के किनका वोट दे बहू अबरी किनका वोट दे लालू जी के कि नीतीश जी के? नीतीश जी के पड़ेगा, नीतीश जी का पड़ेगा। देखिए वो चाचा बोल रहे नीतीश जी को वोट देंगे, तो उनका दिल जाने मैं नहीं बता सकता, आप तो एक वोट के मालिक है। यही तो नीतीश जी के नाम पर वोट नहीं देने जा रहे हैं, हम मोदी जी के नाम पर वोट देने जा रहे हैं। मोदी जी का वोट पड़ेगा। मोदी जी ने काम किया है 10 वर्ष के अंदर में जो कांग्रेस ने नहीं काम किया। चलिए मोदी जी जो काम किए हैं जो कांग्रेस के राज में नहीं हुआ था, में नहीं था, एक के बात तो वही ना हम बोल रहे हैं कि दोनों तो गठबंधन में है, ओरिजिनल भाजपा है तो ठीक है बोल रहा है, ओरिजिनल भाजपा इसलिए बोल रहा है। अच्छा आप लोग के मन में क्या? हम लोग के क्या है, जो आएगा वोट दे देंगे उस समय। अच्छा चंद्रवंशी जी से कितना ठीक ठाक है, क्या दिक्कत है? हम लोग विकास का हुआ सर्वाधा में, विकास कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या चाहते थे? चाहते क्या थे? चाहते क्या थे? कम से कम दुख सुख में आ करके मिलते जुलते तब ना। पांच वर्षों में उन्होंने एक बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाए, समझे ना, इससे क्या होता है पहले बताइए। अच्छा आप लोग चाहते थे कि विकास ना करे, कम से कम मिले जुले। कम से कम कोई किसी को कुछ दे देता है, कुछ नहीं देता है। अगर एक बार वो अपना कम से कम चेहरा भी दिखला देते, सुख दुख में खाली शामिल भी हो जाते, तो कुछ कहना नहीं था। इसीलिए आप लोगों को नाराजगी हुई? नाराजगी है, ये है सर, एकदम नाराजगी है। अच्छा तो आप तो सिंबल वगैरह भी बढ़ चुका है, नीतीश कुमार जी भी दे दिए, आरजेडी भी दे दिए, और दो तीन पांच लोग निर्दलीय से भी आ रहे हैं। पहले हमसे लोग पूछे थे कि हम फलाने आदमी को देने जा रहे हैं, उनको जो इच्छा है वो दिए, हमको जो इच्छा रहेगा हम करेंगे। नीतीश जी को जो इच्छा था वो किया, आप लोग को इच्छा हम करेंगे। अभी मतलब कि माहौल खराब है, आप ये माहौल खराब है, ये है सर, माहौल एकदम बिल्कुल खराब है। इस बार एकदम पलटा पलटी हो जाएगा, एकदम निश्चित है। अच्छा देश में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? तो सर्वहादा की बात हो गई, मोदी जी को। मोदी जी को हाँ, और सर्वहादा में आते जहानाबाद में चंद्रवंशी जी का नहीं? नहीं, जहानाबाद में वो कैसे रहेंगे, आज तक के वो आए नहीं है,
कैसा चेहरा है न किसी से बात, इतना आदमी है पूछ लीजिए। हाँ भाई, कौन का पॉजिटिव बने बोले? कोई नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी के नाम पर। आखिर कारण क्या है? कारण क्या है? कारण तो बताइए कि बस समझ लीजिए। क्या बोल रहा है? वोटिंग मोदी जी के नाम पर होता है, चंद्रवंशी जी प्रत्याशी रहने से कोई मतलब नहीं। अच्छा, प्रत्याशी चाहे कोई भी रहे, हम लोग मोदी जी को देखते हैं। देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, रहेंगे। अच्छा अच्छा, तो चंद्रवंशी जी से क्या चाहते थे? 5 साल तो खत्म। चंद्रवंशी जी से कुछ नहीं चाहते हैं। अरे विकास चाहिए ना, कुछ विकास जो होगा सब ठीक है। देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को होना चाहिए। अच्छा, हम लोग श्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं, हम लोग चंद्रवंशी को नहीं देखते हैं, श्री नीतीश कुमार को नहीं देखते हैं। हम लोग का 543 सीट पर प्रत्याशी श्री नरेंद्र मोदी हैं। मतलब कि हर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। चाहे जहानाबाद का प्रत्याशी कोई भी हो, उसे कोई लेना देना नहीं। चंद्रवंशी जी से खुश है कि नाराज है? सीधा चंद्रवंशी जी कोई प्रत्याशी मानिए नहीं रहे हैं, हम मोदी जी को प्रत्याशी मान रहे हैं। चंद्रवंशी जी कुछ है ही नहीं है, चंद्रवंशी जी केवल नाम है। हाँ। प्रत्याशी मोदी जी हैं, 543 सीट पर प्रत्याशी मोदी जी हैं, और देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और रहेंगे अगले 25 वर्षों तक रहेंगे। अरे तरीके क्या कहिएगा भाई, युवा बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। अरे हम तो सुन रहे हैं प्रतिक्रिया। हाँ, आपका प्रतिक्रिया क्या है? क्या प्रतिक्रिया रहेगा युवाओं के लिए? क्या हुआ अगर देखा जाए, 10 वर्षों से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, युवाओं के लिए क्या किया मोदी जी? नथिंग, कुछ नहीं। कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे कि भाई मोदी जी अब जो है कि ये मुद्दा जो है, मतलब धर्म के नाम पर राजनीति, इसको छोड़ दी। इसको छोड़ना है ना? हाँ, छोड़ना है। अगर छोड़ दे तो और बेटर परिणाम हो सकता है। हाँ, और बेहतर होगा, क्यों नहीं होगा। और बाकी तो है जहानाबाद का, जहाँ तक बात है जहानाबाद का बात है, उस मुद्दा पे बात करें तो जो प्रत्याशी को थोपा गया है जनता पे, थोपा गया है बिल्कुल। अब जो प्रतिनिधि को, सांसद प्रतिनिधि 5 वर्षों तक रहे हैं, उनको किन्हीं ने नहीं देखा है, इतना जनता है, बताइए चंद्रवंशी से मिले? अरे कोई देखे हैं आप लोग? भाई फेस COVID-19 बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हुआ सर्वदा बाजार, लेकिन वो सांसद रहते भर में कुशलता कुछ पूछे नहीं और ना देखने को आए। अब चुनाव का समय है, आएंगे तो आप लोगों का क्या सवाल होगा उनसे? तो सवाल क्या होगा, जवाब दिया जाएगा वोट से। हाँ, आप लोग मतलब कि पढ़े लिखे समझदार हैं, तो बोलना नहीं है, जवाब दिया जाएगा। दिया जाएगा वोट से। हाँ, लाए हम उनको लाएंगे, राम को लाए हैं उनको लाएंगे। राम को लाने वाले मोदी कौन होते हैं जी? राम तो पहले से थे। क्या बात करते हैं, ये अंधभक्तों की तरह बात करते हैं। अंधभक्तों की तरह बस, मोदी 500 साल से टेंट में थे, टेंट में थे, अब महल में आ गए हैं, महल में आ गए हैं, महल में आ गए हैं। क्या बात करते हैं, ये बोल रहे हैं ना, लेकिन अयोध्या के साक्षी हम बने हैं। अच्छा, मोदी जी से पहले हम वहाँ थे, 10 दिन रहे, और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के सानिध्य में हम रहे, और हमने वहाँ 10 दिन सानिध्य में जो अयोध्या का जो हमने देखा, तो मोदी जी थोड़ी लाए, हम लोग जैसे सनातन लाए। सनातन लाए मोदी? 500 साल से टेंट में थे, महल में कौन लाया? हाँ, मोदी जी का श्रेय ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी बिना सहयोग से तो किसी को नहीं। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, राम मंदिर बना, मोदी कहाँ से था? सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं। अरे तो कोई भी काम सिस्टम से ना होता, सुप्रीम कोर्ट आ गया। अरे कोई भी काम सिस्टम से ना होता, सुप्रीम कोर्ट पिछला 75 साल से था। सुप्रीम कोर्ट 75 साल से कहाँ था? आज 10 साल में क्यों मोदी जी ले आए राम को? तो राम क्या पिछले 75 वर्षों में ही हैं? पहले नहीं थे? पूछिए, पूछा जाए, टेंट में थे। अयोध्या का राजा कौन था? पढ़े लगे और नौकरी लगी, मोदी जी के नहीं सूझ रहा। बोलिए, पहले बेरोजगारी नहीं था? नहीं, सुनिए सुनिए, जब ये बात बोल रहे हैं नौकरी की, और जो मुद्दा है कि राम को लाए हैं, तो ये बताइए कि एनडीए के सरकार में इन 5 वर्षों में सर्वाधा में कितना कार्य हुआ है सांसद के द्वारा? पूछिए जरा इनसे, क्या काम हुआ 5 साल में? क्या काम हुआ है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। पूंजीपतियों वाला है, ये पूंजीपतियों वाला है, पूंजीपतियों के सरकार के चाहते हैं। ओ तेरी पूंजीपति। अच्छा, आपके बाल बच्चा क्या करते हैं? हमारा बाल बच्चा पढ़ता है, और क्या करते हैं? अभी 4 में पढ़ता है। अच्छा, अभी छोटा छोटा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब थोड़ा सा बड़ा होंगे तब पता चलेगा कि मोदी बेरोजगारी नहीं था, 10 साल पहले बेरोजगारी नहीं था। जिस समय सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट रोड पर लेकर के मारे फिरे चलेंगे ना, तब इनको अनुभव होगा कि क्या मोदी का सरकार है और कितना दर्द झेलना पड़ता है बेरोजगारों। क्या 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 बोलेंगे भैया, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं बोलेंगे, हर कोई बोले ना, मिठाई का दुकान है, मिठाई का दुकान करते हैं। सर्वाधा में क्या कम हुआ?
कम हुआ कोई कम नहीं हुआ सांसद को आज तक नहीं देखे आज तक नहीं देखे और हमको लगता है कि इतने सारे लोगों से बात किए किसी ने भी सांसद महोदय को नहीं देखा नहीं क्या कर दो भाई तुम दुकान खोदे कहाँ खुदा है खुदा है खुदा है वोट देते हैं वोट नहीं देते हैं और भी बहुत सारा एक और है चाचा जी देखिए कूड़ा कबाड़ी का अथी करते कहाँ घर है सरवादा सरवादा घर है क्या नाम हुआ मोहम्मद महफूज आला अच्छा मोहम्मद जी एक बात बताइए चुनाव है पूरे देश में चुनाव है प्रधानमंत्री का चुनाव है आपके सांसद का चुनाव है किनको सांसद बनाइएगा इस बार आरजेडी से हैं सुरेंद्र यादव जी जदयू से हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी जी और निर्दलीय से और भी लोग आने वाले हैं खैर हम तो ये नीतीश वाले में हैं पाजी आरजेडी आप आरजेडी वाले में हैं नीतीश जी के तरफ ने हैं नीतीश जी के तरफ हैं इनको पता नहीं है कि हम नीतीश जी के तरफ हैं कि आरजेडी के तरफ हैं क्या माहौल है भैया माहौल बड़ी खराब है काहे कुछ काम ही नहीं हुआ क्या काम होना चाहिए था जो काम नहीं हुआ कुछ भी काम मतलब सांसद खाली नाम के काम कुछ नहीं है सिर्फ नाम के हैं चंद्रवंशी जी सांसद काम के नहीं है काम के नहीं है और ये सिर्फ सरवाहदा के लोग नहीं बल्कि हम जहाँ पे भी गए हैं लगभग सभी लोग यही बोलते हैं कि चंद्रवंशी जी को हम लोग पिछले 5 वर्षों में नहीं देखे हैं और सब लोग उनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं एक दो महिला भी हम इनसे वार्तालाप करते हैं क्या नाम हो चाची कहाँ घर है हमारा दरवेश बिघा दरवेश बिघा सांसद जी को पहचानते हैं हम ना पहचाना है नीचे मान के हमरा ना हो लूर लूर ना है को वोट दे ना अरे सुना ना वोट दे ना हाँ वोट दे लालू जी के चिन्ह हूँ नीतीश जी के उनका नाम चिन्ह है नीतीश जी के ना चिन्ह हूँ ना लालू जी के चिन्हते हैं नीतीश जी को नहीं चिन्हते हैं और सरवाहदा के कुछ प्रबुद्ध लोग थे हम उनसे वार्तालाप किए तो सबों का कहना है कि यहाँ पे चंद्रवंशी जी का कोई लहर हुआ नहीं है बाकी वक्त बताएगा कि यहाँ का सांसद कौन बनता है और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं हम इसी प्रकार अगले डिबेट में अगले कहीं पे जाकर के अगले लोगों से वार्तालाप करेंगे कि उनका माहौल क्या है वो किनको सांसद बनाना चाहते हैं बाकी हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।